नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आर सी अनूज आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी ख़बर के बारे में अभी की बड़ी खबर क्या है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती दो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती दो का विज्ञापन कब जारी होगा सबसे बड़ा सवाल है विज्ञापन यूपी 2021 के पहले आएगा या बाद में आएगा दूसरा सबसे बड़ा सवाल है तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी 2021 का नोटिफिकेशन किस महीने में जारी होगा और परीक्षा किस महीने में आयोजित की जाएगी और प्रस्ताव को लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है प्रस्ताव किस महीने में भेजा जाएगा प्रस्ताव किस तारीख तक भेजा जाएगा प्रस्ताव अभी तक क्यों नहीं भेजा गया तीसरे प्रस्ताव का जिक्र हो रहा है उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी किसको देखते हुए परीक्षा तिथि का निर्धारण किया जाएगा पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा सारी जानकारी पीएनपी के माध्यम से प्राप्त हुई है हर एक जानकारी सौ फीसदी अथेंटिक है सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी वीडियो रेगुलर देख पाएं आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा दें और जिससे हमारे वीडियो का आपके सबसे पहले पहुंच जाए शिक्षक इक्कीस के बारे में जूनियर हाँ स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन कब आएगा यूपी टीस के बाद आएगा या पहले आएगा मैं आप तो को बताना चाहता हूं कि जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती में अपर टेट की आवश्यकता होती है कैंडिडेट बहुत कम है कैंडिडेट कम होने की वजह से पीएनपी को कई ने पत्र भेजा है एक पत्र मेरे द्वारा आपको दिखाया गया था जो प्रशिक्षुओं के अध्यक्ष हैं आप मान लीजिए कि संघ के अध्यक्ष होते हैं अलग अलग से मोर्चा बनाए हुए होते हैं रजिस्ट्रेशन करवाए हुए होते हैं सभी का पत्र पीएनपी में भेजा जा रहा है पीएनपी को जो पत्र प्राप्त हो रहा है उसी के आधार पर पीएनपी कार्य कर रहा है मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो कोई भी आयोग हो जब भी भर्ती निकालता है तो उसको यह उम्मीद होती है कि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो कारण है जो भी परीक्षा आयोजित होती है वह एजेंसी के माध्यम से होती है और एजेंसी को टेंडर दिया जाता है और टेंडर का पैसा कहाँ से प्राप्त होता है जो आप फीस पेड करते हैं जो आप फीस पे करते हैं उसके माध्यम से प्राप्त होता है आप सोचिए अगर कोई परीक्षा आयोजित की जाए उसमें कैंडिडेट की संख्या एक हजार ही हो तो क्या जो एजेंसी को पैसा दिया जाएगा उसकी भरपाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी तो मैं आपको बता दूं जो टेंडर होता है एजेंसी का वह एक ठेका होता है उतना उनको पैसा दे दिया जाता है अब उनको कितना फीस प्राप्त होता है और कितना सरकार को फायदा होता है कितना आयोग को फायदा होता है वह तो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ जो पी में चर्चा है जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जूनियर हाँ स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यूपीटेट 2021 के नोटिफिकेशन जारी करने और परीक्षा आयोजन के बाद निकाला जाए जिससे जो भी कैंडिडेट पास हो जाए वह जूनियर स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 के लिए अप्लाई कर पाए अभी तक यही चर्चा है मैं आपको एक सौ फीसदी सही जानकारी दे रहा हूं जो चर्चा चल रही है और जिस विषय पर पीएनपी विचार विमर्श कर रहा है वह यही है कि यूपी 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो जाए परीक्षा आयोजन हो जाए जो कैंडिडेट सफल हों उन्हें जूनियर शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का मौका मिले फिलहाल इसकी गारंटी नहीं है कि भर्ती पूरी होगी या नहीं क्योंकि दो का चुनाव है चुनाव को देखते हुए पीएनपी को कार्य तेज करना चाहिए और शासन को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए जिससे कोई भर्ती फंसे ना अब एक सवाल और उठ रहा है कि यूपी 2021 का नोटिफिकेशन कब आएगा आपको मालूम होगा कि यूपी 2020 दो हज़ार यहाँ होना चाहिए मेरे द्वारा लिखा गया है 2021 क्योंकि 2021 चल रहा है 2020 में इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया क्योंकि शासन के द्वारा जो मंजूरी मिली काफ़ी विलम्ब से मिली बारह जनवरी दो से आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी लेकिन नहीं हो पाई मैं आपसी को बताना चाहता हूँ कि फरवरी माह में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जो अभी की जानकारी है और परीक्षा का आयोजन कब होगा इसके संबंध में अभी तक निश्चित तिथि का निर्धारण नहीं हो पाया है मेरा कहने का तात्पर्य है कि पीएनपी का विचार है कि बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया जाए मतलब कि यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी हो जाए और पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी हो जाए उन दोनों को देखते हुए शासन को तीसरा प्रस्ताव भेजा जाए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं सौ फीसदी अथेंटिक है यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी हो जाए पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी हो जाए उसको देखते हुए अगली परीक्षा तिथि का निर्धारण किया जाए क्योंकि दो परीक्षा के लिए तिथि के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था अट्ठाइस और सात मार्च दोनों पर शासन की सहमति नहीं मिली यह निश्चित है कि भर्ती विलंब से आएगी भर्ती पूरी होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है और जहां तक रही प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तो मैं आपको बता दूं कि जूनियर के बाद ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है सारा मैटर यूपी टेट को लेकर फंसा हुआ है जब तक यूपी टेट क्लियर नहीं होगा ऐसे भर्ती फंसी रहेगी तो यूपी टेट को क्लियर होना सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जरूरी है अब नोटिफिकेशन मेरे द्वारा बता दिया गया कि फरवरी माह में जारी किया जाएगा अब परीक्षा अप्रैल के अंतिम या मई माह में आयोजित की जाएगी पंद्रह मई तक अभी तक चर्चा है लेकिन जब तक शेड्यूल जारी नहीं होगा पंचायत चुनाव के तिथि का निर्धारण नहीं होगा यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी नहीं होगा तब तक पीएनपी के द्वारा यूपी परीक्षा तिथि के संबंध में प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा जाएगा जो जानकारी प्राप्त हुई है कि फरवरी के प्रथम पखवाड़े में शासन को प्रस्ताव पुनः भेजा जाएगा और जैसे ही सहमति मिलती है वहां से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के अंतिम तक या मई माह में परीक्षा का आयोजन होगा इससे पहले परीक्षा का आयोजन होने की संभावनाएं बहुत कम है बस आपको अपनी तैयारी करते रहना है प्रस्ताव तभी भेजा जाएगा मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं जब यूपी बोर्ड परीक्षा तिथि का निर्धारण हो जाएगा और पंचायत चुनाव का निर्धारण हो जाएगा उसके बाद